हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा गीताकिनो.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो भी पहले की वीडियो की तरह पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और सोशल मीडिया पर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल के पकौड़े, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इसमें ना तो हम चावल का आटा ऐड करेंगे, ना अरारोट, ना सूजी, इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और फिर भी ये जो मूंग दाल पकौड़े हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, क्योंकि इसमें मैं एक ट्रिक यूज़ करने वाली हूँ। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ कप मूंग दाल ली है, बिना छिलके वाली। इस कप से मेजरमेंट लिया है मैंने, ये करीब 100 ग्राम दाल है। तो इसे हम धो लेंगे। यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है और इसे पानी में सोक कर दिया है, भिगो दिया है। इसे 4-5 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ देंगे। तो 4-5 घंटे हो चुके हैं, दाल हमारी अच्छे से फूल गई है। और चेक कर लेते हैं, ये देखिए, जब इसे आप इस तरीके से नाखून से दबाएंगे तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, इसका मतलब ये दाल अच्छे से फूल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसका सारा पानी निकाल देंगे, हमें सिर्फ दाल चाहिए, पानी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पानी निकाल दिया है, हमें दाल को पीसना है बिना पानी के। ये ट्रिक है मूंग दाल भजिया बनाने की, मूंग दाल पकौड़े बनाने की, जिससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आमतौर पे हम क्या करते हैं, पानी ऐड कर देते हैं और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे बिना पानी के पीसूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 4-5 लहसुन की कलियाँ और 2-3 हरी मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, एक बूंद भी पानी नहीं ऐड करना है और इसे मोटा मोटा पीसना है। इसे बिल्कुल बारीक पेस्ट मत बनाइएगा, अगर आप पेस्ट बना देंगे तो आपकी जो भजिया है, पकोड़े हैं, वो बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे दानेदार पीसा है। अब मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, बारीक कटा हुआ। 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, जिससे कि भजिया का कलर बहुत अच्छा आता है। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। 1 चुटकी हींग ऐड कर देंगे। नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। नमक यहाँ पे हम थोड़ा कम ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं चाट मसाला 1 टेबलस्पून के करीब। इसमें ऑलरेडी नमक होता है, तो इसलिए नमक आप बहुत ध्यान से डालें। तो ये 1 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर चाट मसाला ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर चम्मच से मिला रही हूँ। तो इस तरीके से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करने वाले हैं। जब भी हम पानी ऐड करते हैं बेसन में या फिर इस तरह की भजिया बनाते टाइम, तो क्या होता है कि वो बहुत पतला हो जाता है और फिर आपकी जो भजिया होती है वो क्रिस्पी नहीं बनती है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया और नमक की वजह से जो प्याज है उसने ऑलरेडी पानी छोड़ दिया है, और जिससे मिक्सचर हमारा थोड़ा सा पतला हो गया है और ये बिल्कुल भजिया बनाने के लिए रेडी हो चुका है। तेल गर्म कर लेंगे। तेल यहाँ पर मैंने तेज़ गर्म किया है और इसमें हम भजिया डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके। इस तरीके से ये पकौड़े डाल देंगे और गैस को हमें कर देना है लो और मीडियम के बीच में। हमें इसे धीरे धीरे सेकना है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो गैस को मैं यहाँ पर लो और मीडियम के बीच में कर दे रही हूँ, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म है और इसे हमें फ्राई करना है कम आँच पे। अगर तेज़ आँच पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने, कलर भी बहुत अच्छा आए। तो इस तरीके से मैंने ये जो गैस है वो धीमी कर दी है और इसे धीमी धीमी आँच पे हमें इसे पकाना है। हम इसे पलट देंगे। तो इस तरह से हमें इसे पलट देना है और पलट पलट के इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, पर मैं इसे थोड़ी देर और फ्राई करूंगी ताकि ये अंदर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए।
तो हमें थोड़ी देर तक इसे फ्राई करना है ताकि इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। तो आप देख सकते हैं, आप ये जो भजिया है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं, बहुत अच्छे क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। तो इसमें हमने कोई चावल का आटा, सूजी वगैरह नहीं ऐड किया है इसे क्रिस्पी बनाने के लिए, ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, आपको ये सब चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम जो बाकी का जो हमारा बैटर है वो भी डाल देंगे इसी तरह से, और गैस मेरी ऑलरेडी लो मीडियम के बीच में है। सेम इसी तरह से हम ये वाले जो पकौड़े हैं इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तो इन्हें भी पलट देते हैं और आपको पूरे टाइम इसे लो मीडियम फ्लेम के बीच में ही पकाना है। तो देखिए काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है, पर इसे अभी हम थोड़ी देर और फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना रहें, अच्छे से फ्राई हो जाए, और जितना ज़्यादा आप इसे सेकेंगे उतने ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनते हैं। और जब आप इसे खाएंगे, क्योंकि हमने बैटर दानेदार बनाया था, तो जब आप इसे खाएंगे तो आपको दानेदार टेक्सचर फील होगा, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये देखिए हमारे जो पकौड़े हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं, कलर कितना बढ़िया आया है, देख सकते हैं आप कितने बढ़िया और क्रिस्पी पकौड़े तैयार हो गए हैं। और कितनी इंस्टेंट रेसिपी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसे, सिर्फ आपको दाल भिगोने में टाइम लगेगा, उसके बाद बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से आप ये मूंग दाल पकौड़े तैयार कीजिए, खाइए, इन सर्दियों में आप इसका आनंद उठाइए, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और सोशल मीडिया पर। तो आप इस तरीके से ये जो मूंग दाल पकौड़े हैं वो तैयार कर सकते हैं इन सर्दियों में, इसका आनंद लीजिए हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, जिसके साथ भी आप खाना चाहते हैं उसके साथ खाइए, मेहमानों को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, फैमिली को खिलाइए, और मुझे लिखकर बताइए कि रेसिपी कैसी लगी।